जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। 16 जून को आपका सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम है। पेपर नंबर 1 दैट इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का जो ये पेपर है, ये थोड़ा टेक्निकल पड़ जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है इसको क्लियर करने में। तो आपके साथ में आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली मैं वो टॉपिक आपको बताऊंगी जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पूरा लॉ का और बिजनेस कम्युनिकेशन का ये पेपर है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, सेक्शन बी बिजनेस कम्युनिकेशन। सेक्शन ए में आपके टोटल 4 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको सोर्सेज ऑफ लॉ और लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लेंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रेमिडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे कि इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नज़र सब पे फिरानी है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन एंड वारंटीज वाला टॉपिक, सारी कंडीशंस ऑफ वारंटीज और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट गुड्स बायर, ये सब कुछ आपको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 4 नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब यूनिट नंबर 4 नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप कह सकते हो। इसमें फीचर्स ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह, इनकी डेफिनेशन। उसके बाद आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक पे आ जाएंगे और डिसऑनर ऑफ चेक पे आ जाएंगे, बीच में से कट कर देंगे, ठीक है? तो फीचर्स हो गए, इनकी डेफिनेशन हो गई, क्रॉसिंग का मीनिंग हो गया और टाइप्स हो गया और डिसऑनर ऑफ चेक हो गया, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी आता है, 80 मार्क्स का आपका सेक्शन ए आता है। तो आपका 20 मार्क्स में देखो हमको इतने से टॉपिक करने हैं, तो अच्छे से आप करके जाएंगे ना। फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, ये इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन आप कट कर देंगे। इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो 20 मार्क्स के लिए इतने टॉपिक मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लेना या फिर अपने मॉड्यूल में मार्क कर लेना, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको पता लग जाए भाई ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। खाली कॉन्सेप्ट समझ के कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यूज भी इसके प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपका जो लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, इनफैक्ट आपके जो चारों पेपर्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है। 50 क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के, इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, क्लियर? आई होप ये सारे आपको टॉपिक्स क्लियर हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किन किन टॉपिक में से आपके बन सकते हैं। तो आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। हम सीएमए के मैराथॉन्स भी करने वाले हैं, तो आपको उनके बारे में भी नॉलेज मिलती रहे और आप मैराथन अटेंड कर पाओ, मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।